सो हे गाइस, मैं ड्राइव कर रहा हूँ फोर्ड की फ्री स्टाइल डीजल 1.5 लीटर। इसका अगर रिव्यू आप लोगों को देखना है तो आप ऊपर जो है लिंक दी हुई है उसमें एक्सटीरियर इंटीरियर देख सकते हैं। अभी इस इंजन को चला के देखते हैं कि इंजन जो है उसकी ड्राइविंग कैसी है, NVH लेवल कैसा है, सस्पेंशन सेटअप कैसा है, इस गाड़ी का लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की। तो 1.5 लीटर का इंजन मिलता है आपको, फोर सिलेंडर इंजन है और सबसे ज़्यादा सेगमेंट में 99 BHP की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पे, और आपको मिलता है 225 Nm का टॉर्क 1750 RPM पे। गाड़ी के अंदर 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया हुआ है और जो स्पैक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर माइलेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी आपको सिटी में 16 से 18 के आसपास और हाईवे पे आपको 20 प्लस जो है माइलेज आराम से डिलीवर कर देगी, जो कि एक डिसेंट माइलेज है अपने सेगमेंट में। बात करें अगर NVH लेवल की तो हाँ, ये ज़रूर आपको पता चलेगा कि आप एक डीजल इंजन जो है उसको ड्राइव कर रहे हैं, पर काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड ड्राइविंग जो है ये आपको ऑफर करता है अपने सेगमेंट में। जो दूसरी गाड़ियां हैं जैसे कि i20 एक्टिव ले सकते हैं अपन इस सेगमेंट में, तो उससे जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और एक चीज़ और जो कुछ लोगों को अच्छी लगती है और कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, वो इसका पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में इंटीरियर। तो कुछ लोगों को जो है वो बैच कलर की आदत रहती है, जो सुजुकी वाली गाड़ी जो बचपन चलाई होती है या देखी होती है, यहाँ पर ये पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम अपील भी देता है और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, पर कुछ लोगों को वो पसंद ना भी आए। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सभी फीचर्स मिल जाते हैं। साउंड काफ़ी अच्छा है, अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का साउंड सुनना है तो इंस्टाग्राम पे आके आप सुन सकते हो, वहाँ पर वीडियोस आपको मिल जाएगी। NVH लेवल का मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी अच्छे से कंटेन है, वेल कंटेन है, इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, इंसुलेशन प्लेट जो है इंजन बे में आपको मिल जाती है। पर वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डीजल इंजन है, तो अगर जैसे ही आप 3000 RPM का मार्क जो है क्रॉस करते हैं तो इसका जो साउंड है वो बढ़ जाता है और केबिन में जो है आने लग जाता है। तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की। यहाँ पर जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्मूथर साइट है। अगर आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी आपको जो है ऑफर करते हैं। और वहीं जो छोटे मोटे पॉट होल्स हैं तो वहाँ उसका तो आपको पता चलता ही नहीं है केबिन के अंदर। और अगर आप कोई स्पीड बम्प वगैरह फास्ट ले रहे हैं तो उसका आपको ऑफकोर्स पता चलेगा। और केबिन के अंदर कोई ऐसा हरशमेंट या साउंड वगैरह नहीं आता है कि जिससे आपको चलाने में जो है इसको मज़ा नहीं आया, लॉन्ग जर्नी पे आपको नहीं जा सकते हैं। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये जो मैं चला रहा हूँ टाइटेनियम वेरियंट, इसमें फैब्रिक अपॉल्सरी है और इसकी भी फील जो है डिसेंट है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बस बात यहाँ पर वो आ जाती है कि अगर लोग ट्रस्ट करें फोर्ड के ऊपर तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगेन, ये जो डैशबोर्ड है इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक ही है, कोई सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, ब्राउन टोन की फिनिश पे है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर अगर आपको पूरा देखना है तो साइड में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन पर क्लिक करिए। ये जैसे 3000 RPM का मार्क मैंने क्रॉस करा तो साउंड आप सुन सकते हैं कि केबिन के अंदर किस टाइप का साउंड जो है ये इंजन दे रहा है। और फन टू ड्राइव कार है, चलाने में मज़ा आता है, ज़रा सा भी आपको ये नहीं लगता है कि पावर की कमी है। लो एंड इस गाड़ी का अच्छा है और मिड रेंज भी जो है काफ़ी अच्छी है, पर टॉप एंड में जो है थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है आपको कि इस इंजन को आप लोड डाल रहे हैं। तो और टर्निंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको ऑन ऑफ का फीचर आप में मिल जाता है। सेफ्टी फीचर सभी जो है स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरियंट। ड्यूल फ्रंट एयरबैग मिल जाते हैं आपको और साथ ही साथ स्पीड सेंसिंग अलर्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ सेंसर्स, ये सभी फीचर्स जो हैं आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। फ्रंट एंड जो है पूरा अच्छे से दिखता है, जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, गियर शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस फोर्ड फ्री स्टाइल का। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या फोर्ड की किसी भी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, गाड़ी बुक करवा सकते हैं, बेस्ट डील जो है उसके ऊपर ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ड्राइव सेफ।